subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दोस्तों, स्टार प्लस पर चल रही कहानी ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कहानी एक रोमांचक मोड़ पर खड़ी है जिसका फैंस जमकर लुफ्त उठा रहे हैं। लेकिन अब आगे की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि ट्रैक की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि कोर्ट के बाद कार्तिक और नायरा एक दूसरे से नॉर्मल बात कर रहे होंगे, यानी कि माफ़ी मांग रहे होंगे, जहां कैरव देख लेगा और उसे लगेगा कि पापा मम्मा को परेशान करते हैं और मारते और पीटते हैं, जहां कार्तिक के लिए कैरव के मन में और भी ज़्यादा नफरत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि इस नफरत को कैरव के दिल से कौन मिटाएगा। हालांकि नक्स को जब कैरव नहीं मिलता है तो वो नायरा के पास दौड़ कर आता है और कहता है कि नायरा, कैरव नहीं मिल रहा है। फिर पूरे घर के अंदर नहीं मिलने के बाद पूरा परिवार परेशान हो जाता है, जहां पर फिर कहानी का अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। जहां पर आपको बता दें कि नक्स कार्तिक को खरी खोटी सुना देता है, जहां वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन परेशान होती है, जब भी तुम मेरी बहन की ज़िंदगी में आते हो तो तभी मेरी बहन परेशानी में होती है। दरअसल कुछ लीडिंग और सोशल साइट से आ रही खबर के मुताबिक अब कहानी के अंदर नायरा के साथ हादसा होगा, जहाँ पर कार्तिक को जब ये बात पता लगेगी तो फिर कार्तिक की आँख से आंसू आ जाएंगे और कैरव एक बार फिर कार्तिक को इस हादसे का आरोपी मानेगा और नफरत करने लगेगा, और फिर कैरव का सवाल कार्तिक की उम्मीद को तोड़ कर रख देगा। तो दोस्तों, अब आगे की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, जिसकी कहानी के अंदर छोटे से बड़े अपडेट्स की रिपोर्ट को लेकर आप सभी फैंस के बीच एक बार फिर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ म्यूजियम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।